अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड अदर ब्लॉग। और जी माशाल्लाह यहाँ पर दिन का आगाज़ हो गया और साथ साथ हमारे ब्लॉग का भी आगाज़ हो गया। और इस वक्त मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी और अहमद जो है इधर उधर घूम रहा था मेरे पास, तो मैंने सोचा सुबह सुबह जो है इसको फ्रेश करवाना है, तो मैंने सोचा साथ ही कपड़े भी चेंज कर देती हूँ ताकि जो है ये आराम से खेलता रहे, फिर ये दोबारा मेरे काबू नहीं आता। वैसे भी आज जुमा था तो मैंने कहा चलो आज फ्रेश कर देती हूँ इसको सुबह ही सुबह। मेरे को हस्बैंड की छुट्टी होती है और ही बहुत काम होते हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और किचन से नहीं फ्री होते इंसान। और यहाँ जनाब का मूड ही नहीं हो रहा कि मैं आऊँ और कपड़े पहनूँ, और मैं बस इसको आवाज़ दे रही थी कि आओ मैं आपको जल्दी जल्दी चेंज करवा दूँ और ना, लेकिन ये जनाब खेल में मसरूफ़ हैं। मैं जब तक तस्बीह पढ़ रही थी तो जी मैं यहाँ पर बना रही हूँ पाई, और मैंने पाई पकने के लिए रखने से पहले जो है प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। और ये हैं बड़े पाए और मैंने इनको फ्रीज़र से निकाल के पानी में डाल दिए। मैंने बहुत ही कम डाला है क्योंकि इसमें पाए में जो है ना ख़ुद अपना ही ऑयल बहुत निकल आता है। सिर्फ प्याज को ब्राउन करने के लिए मैंने थोड़ा सा डाला है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे वरना पाए का जो कलर होता है ना शोरबे का वो ख़राब हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो बस इसको हल्का सा ही, हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना। बस इसी कलर पे जो है ना मैंने ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट जो मैंने अपनी होममेड बनाई हुई है। तो पाए हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से मैंने दो डाली हैं, वरना मैं अपनी हांडी में जो है सिर्फ एक ही डालती हूँ क्योंकि थोड़ा शोरबा रखना है, तो इस वजह से मैंने बस दो ठीक रहेंगी। बड़े पाए हैं, पाए जो हैं सऊदीया में बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो ईद के लिए लाए थे तो मैंने ईद पे जो है हाफ़ पका लिए थे, हाफ़ मैंने रख लिए थे। जुम्मा है, जुमे को जो है स्पेशल पकता है क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो बस मैंने कहा चलो पाए बनाते हैं दोपहर में। स्टेप पे मैंने जो है टर्मरिक, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर ये सब ऐड कर दिया, और मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लूँगी मसाले को, और फिर पाए ऐड करके वो भी भून लूँगी साथ। बटर मैं नहीं डालती, दही डालूंगी थोड़ी सी। जीरा पाउडर ऐड किया मैंने, अब भूल गई थी मैं डालना, रख दो, मसाले नहीं छेड़ते गिर जाएंगे। नो क्या देख रहे हो, आपको यह दही खानी है। अब ये सैलेड में डाल लूँ फिर आपको देती हूँ, ठीक है। देखिए दही डालने से इसका कलर कितना अच्छा सा हो गया। तो मसाला बस हमारा जो है वो फ्राई हो गया, अब हम जो है ना बस इसमें पाई डाल के ना तो इसकी भुनाई करेंगे। मेरे पास ना प्रेशर कुकर जो है वो छोटा, तो इसीलिए मैं इसमें बना रही हूँ ताकि भुनाई अच्छे से हो जाए पाई की, उसके बाद जो है मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी इसको प्रेशर कुकर में पानी डालने के लिए। प्रेशर मेरा छोटा है साइज़ में इसीलिए मैं इसमें कर रही हूँ। और यहाँ देखें मैं उधर वीडियो बना रही थी, चम्मच चला रही थी हांडी में, और इधर अहमद ने जो है ना जो थोड़ी सी दही कटोरी में लगी हुई थी ना वो सारी अपने मुँह पर मल ली वो अपनी तरफ से खाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा तो दे नहीं रही है, मैं खुद खा लेता हूँ। मत के अहम अंदर के हालात कुछ ऐसे हैं, अहमद देख रहा है कार्टून। ईमान जाओ नहाने जाओ, कपड़े लो अपने, वहाँ से मैंने आपके निकाल के रखे हुए, नहाने जाओ। तो जी जब तक जो है प्रेशर चलता है मैंने किचन साफ कर लिया, बर्तन भी धो लिए, अब चलते हैं अंदर। अहमद के लिए खिचड़ी गर्म कर रही हूँ, उसको खिचड़ी खिलाऊँगी दही के साथ। और ना यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय रख लिया, चाय बनाती हूँ। सुबह नाश्ता कर लिया था मैंने तकरीबन 7 बजे, तो लेकिन चाय नहीं पी और सर में अब दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। चो 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 खाना खाएं। तो जी प्रेशर जो है वो मैंने खोल दिया और ये देखें माशाल्लाह से गल गए हैं अच्छे से, और
बस थोड़ा नमक इसमें कम है, थोड़ा चूल्हा चलाती हूँ इसके नीचे, पानी थोड़ा और खुश करती हूँ जी। सातों साथ जो है चाय भी मेरी रेडी हो गई, चाय पीते हैं और इसको मैं अभी और थोड़ा हल्के चूल्हे पे रखती हूँ जी। सातों साथ जो है चाय भी मेरी रेडी हो गई, चाय पीते हैं और इसको मैं अभी और थोड़ा हल्के चूल्हे पे रखती हूँ तो जी डालने लगी उसमें गरम मसाला और इमानी ज़रा विंडो खोलो, विंडो खोलो, हस्बैंड जा रहे हैं इस वक्त जुमा पढ़ने। अहमद सो गया अब और अब मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी, अहमद के सोने का इंतज़ार कर रही थी, फिर इंशाल्लाह जब हस्बैंड आएंगे नमाज़ पढ़ के तो फिर खाना खाएंगे दोपहर का। साथ साथ ईमान को भी देख रहा है कि मुझे डांटे ना, ईमान के कलर है ना बिखेर देता है ना, फिर ईमान डांटती है बहना मारेगी हो फिर बिखेर दे डरता भी है साथ साथ के बहना मारे ना। तो जी इमरान खान का जलसा था जो कि मुल्तान में था और बस फिर हम लोग खाने वगैरह से फ्री होकर काफ़ी देर तक जो है जलसा देखते रहे हैं, साथ साथ रेस्ट करते रहे हैं और क्योंकि जुमा था हस्बैंड की छुट्टी थी और जी जलसे फारिग होकर हम लोग आ गए हैं यहाँ कसरे श्री में हलवायात, यानी यहाँ पर पाकिस्तानी जो है ना सारी स्वीट्स मिलती हैं, समोसे और हलवे, केक, गाजर का हलवा, दूसरी मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, एवरीथिंग यहाँ पर ना दो हैं, एक फाइन है एक कसरे श्री है। तो हमने यहाँ से लेने थे समोसे तो हमने कहा चलो समोसे लेते हैं और फलूदा भी मिलता है यहाँ पे बहुत मज़ेदार और दही भल्ले भी मिलते हैं, यानी यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं इजीली और यहाँ पर ज़्यादा पाकिस्तानी लोग रहते हैं इस इलाके में। तो हम वेट कर रहे हैं, हस्बैंड अंदर गए हैं समोसे और वो लेने गुलाब, समोसे, दही भल्ले और फलूदा लेने और हम जा रहे हैं ईमान बच्चों की दादी के घर तो इसलिए हम ले रहे थे। बस समोसे खाए हैं, गुलाब जामुन वगैरह, फलूदा, दही भले, दही भले सॉरी मैं शूट करना भूल गई और बस यहाँ पर बैठे हैं थोड़ी देर और रात को जो है खाना खाया था फिर वापस आ गए थे। तो सॉरी खाने का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि सारे फैमिली वाले साथ बैठे थे तो बस अच्छा नहीं लगता फिर इंसान शूट करता हुआ। खाना खाते खाते वहाँ काफ़ी टाइम हो गया था, 12 बजे तकरीबन खाना खाया रात का वहाँ और फिर हम 1 बजे तक घर वापस आ गए थे। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें फिर मेरी वीडियो को इन्जॉय करें। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको और हमें दुनिया और जहान की कामयाबियाँ खुशियाँ अता फरमाए। कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।